तो दोस्तों मूवी नंबर वन की बात कर लें तो मूवी नंबर वन का नाम है डबल वर्ल्ड, जो कि सन 2019 में रिलीज़ की गई थी और इसकी आईएमडीबी की रेटिंग की बात करें तो 6.3 है। और इस मूवी की स्टोरी की बात कर लें तो चलिए हम इसी मूवी की स्टोरी आपको बताते हैं। एक काल्पनिक ब्रह्मांड में जिसमें 10 राष्ट्र शामिल होते हैं, पड़ोसी देश को अधिक से अधिक शक्तिशाली होते देख एक सरदार सबसे अच्छे योद्धाओं को प्रकट करने के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित करता है। समाचार सुन के एक डोंग इलोंग ग्रामीण योद्धा होता है, इस संदेश को सुन के वो फैसला लेता है कि वो उस आयोजना में ये भी शामिल होगा। और आपको इस मूवी को देख के पता चलेगा कि उस मूवी के आखिर एंड में होता क्या है। तो मूवी नंबर टू की बात करें तो मूवी नंबर टू का नाम है वॉरक्राफ्ट, जो सन 2016 में रिलीज़ की गई थी और इसमें आईएमडीबी की रेटिंग की बात करें तो इस मूवी को आईएमडीबी की रेटिंग मिली थी 6.8। और चलिए इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो इस मूवी की स्टोरी ये है कि मनुष्य और ऑर्कस एक साथ क्या करते हैं, युद्ध करते हैं। और ऑर्कस के ही जात के कुछ भ्रष्ट नेता होते हैं जो धरती को क्या करते हैं, मनुष्य को तबाह करते हैं। तो क्या होता है, इस मूवी में दिखाया गया कि कैसे ऑर्कस और मनुष्य एक साथ मिल के क्या करते हैं, इस धरती पर शांति लाते हैं। और कुछ भ्रष्ट नेता जो होते हैं ऑर्कस के, उनको खात्मा करते हैं और इंसानों में जो भ्रष्ट नेता रहते हैं उनका खात्मा होता है। तो इस मूवी में यही दिखाया गया है। तो आप मूवी को देखिए, बहुत ही इंटरेस्टेड मूवी है। अगर आप ये मूवी नहीं देखे तो समझिए कुछ मूवी देखिए, ये सबसे सुपर डुपर मूवी है। तो हेलो दोस्तों, मूवी नंबर थ्री की बात कर लें तो मूवी नंबर थ्री का नाम है टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल, जो सन 2014 में रिलीज की गई थी और इसको आईएमडीबी की रेटिंग की बात करें तो 5.18 की रेटिंग थी। तो चलिए इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो इस मूवी की स्टोरी में होता क्या है, एक लैबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट के दौरान कुछ कछुओं और चूहे पे क्या होता है कि उनको सुपर एनर्जेटिक पावर मिल जाती है। और लैब में आग लगने की वजह से क्या होता है कि वो कछुए क्या होते हैं, गटर के नाले में गिर जाते हैं और उनका पालन पोषण वहीं पे होता है। आगे चल के फ्यूचर में क्या करते हैं कि वही चूहे और कछुए क्या करते हैं, एक योद्धा की तरह क्या करते हैं, न्यूयॉर्क सिटी को बचाते हैं। हेलो दोस्तों, तो मूवी नंबर फोर की बात कर ले तो मूवी नंबर फोर का नेम है स्टार वार, जो एपिसोड 9 है द राइज ऑफ स्काईवॉल्कर, जो सन 2019 में रिलीज़ की गई थी और इसको आईएमडीबी की रेटिंग तरफ से मिला था 6.6 की रेटिंग। तो चलिए हम इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो लास्ट में होता क्या है इस मूवी की स्टोरी में, कि लास्ट पार्ट में प्रतिरोध के बचे हुए सदस्य जो पहले युद्ध किए रहते हैं और जो बच जाते हैं पहले आदेश पर एक बार फिर सामना करते हैं। और जेडी और सीथ के बीच पौराणिक संघर्ष स्काईवॉल्कर गाथा को एक दूसरे के अंत तक पहुंचाते हैं। और इसमें इन दोनों के भाई और बहनों के बीच युद्ध आपको देखने को इस मूवी में मिलेगा। तो दोस्तों, तो मूवी नंबर फाइव की बात करें तो मूवी नंबर फाइव का नाम है फ्रोजन 2, जो सन 2019 में रिलीज़ की गई थी और 6.9 इसकी आईएमडीबी की रेटिंग थी। तो चलिए इस मूवी की स्टोरी की बात कर लें तो मूवी की स्टोरी यहां से शुरू होती है। जो आप फ्रोजन 1 पार्ट देख चुके हैं तो ये फ्रोजन 2 है। तो इसमें क्या होता है कि एना, एलेक्सा, क्रिस्टोपस, ओलाफ और स्वेन एंडरसन एक मुक्त भूमि की एक प्राचीन शरद ऋतु बाउंड जंगल की यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। वे अपने राज्य को बचाने के लिए एलेक्सा की शक्तियों की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए निकल पड़ते हैं और वहाँ पता लगाते हैं। तो आपको इस मूवी को देख के पता चलेगा कि इस मूवी के एंड में होता क्या है। तो हेलो दोस्तों, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बाय।